अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन, रोशन अली अजीम साहब और गुलाम हैदर, हम सिंध हाई कोर्ट में तीनों मौजूद हैं। आज मीटिंग होनी थी, रोशन अजीम साहब हैदराबाद से यहां आए थे और कुछ पेशरफ्त और कुछ मामलात के हवाले से आप सबको आगाह करना था। सर आप कराची आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रोशन साहब और उसके बाद गुलाम हैदर भाई भी हमारे साथ हैं। सर ये सबसे पहले जो सवाल, काफ़ी दिन से चूँकि हम साथ नहीं हो पा रहे थे, जुड़ पा रहे थे, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है जी गुलाम हैदर साहब ने आपको केस से अलग कर दिया, तो पहले तो बल्कि मैं गुलाम हैदर से पूछूंगा, हैदर भाई केस से अलग कर दिया इनको आपने? नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है, शुरू से लेकर आज तक भी साथ है रोशन साहब। पता नहीं लोगों को कैसे डाउट उनका कैसे साफ करें, हम तो इकट्ठे हैं 24 घंटा फोन पे, ऐसे भी हर हाल हवाल होता है तो एक ही साथ है, आपको तो पता है। बिल्कुल जी सर। तो मामला असल में सर ये हुआ था, आपकी मुशावरा से ही जाहिर वहाँ पहुंचे अंसार बनी एडवोकेट साहब के ऑफिस में, तो उसके बाद फिर आपने वहाँ मीटिंग भी की, जो आपने काम किया हुआ था वो उनके सामने रखा था। मामला आपको पता है कि जिस तरह का एक क्रिटिकल है तो उसमें जद्दोजहद भी बड़ी करनी पड़ रही है, तो इस वजह से मतलब अंसार बनी साहब के ऑफिस में पहुंचे आप। सर चूंकि आपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये सारी बातें बताई कि आपने मीटिंग में वहाँ क्या क्या चीजें रखी और अपनी जो भी एक एफर्ट्स थी वो भी रखी, तो अब मजीद क्या तवक्कुआत हैं कि दोनों ने मिलके क्या कुछ करना है आगे जाके कि इनके बच्चे वापस आए? दूसरा, जो लोग इल्जाम लगाते हैं, अब गुलाम हैदर साहब आपके साथ हैं तो उनके इल्जाम के जवाब बजाते आप खुद क्या देंगे? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी आपने तो पैसे देने का इनको कहा था, अब तो उल्टा आपने इनसे पैसे ले लिए, तो दोनों आप मौजूद हैं एक ही वीडियो में, तो बता दें सब लोगों को कितने दिए कितने लिए। देखिए शाहिद साहब, पहले तो मैं अब तमाम लोगों को बताता चलूं कि मैंने शुरू से आखिर तक मैंने ये कहा था कि इस केस को हमने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, हम वक्त के हिसाब से शतरंज की चाल चलेंगे और हम वक्त के हिसाब से अपने पत्ते खोलते हुए जाएंगे। ये अभी हमने अंसार बनी साहब का पत्ता हमने साथ खोला है और शतरंज की जो चाल चली, हम सब एक साथ हैं, शाहिद साहब हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी और भी हम चालें चलने वाले हैं, और भी हम हमारे पास और पत्ते हैं हम खोलने वाले हैं। ये केस बड़ा क्रिटिकल केस है जो पाकिस्तान इंडिया दोनों की सरहदों के आसपास जो आर और पार दोनों तरफ है। गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, हम एक पेज पर हैं, अंसार बनी साहब भी हमारे मशवरे के साथ ही हमने मीटिंग की है, वहां पे भी हमारा काम चल रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसे गुलाम हैदर से लिए, मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि कोई पैसे गुलाम हैदर से नहीं लिए, नहीं पैसे लेने का कोई इरादा है। जितना भी सब काम कर रहे हैं हम अपनी ओन पॉकेट से कर रहे हैं, चाहे शाहिद हो, चाहे रोशन हो या दीगर हो। गुलाम हैदर का इंसानियत का सबसे बड़ा केस है, इसमें हम अपनी अपनी जो डोमेन है हम उसमें रह के काम कर रहे हैं। बाकी ये केस है, जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिल जाते, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, तब तक हम जो है साथ रहेंगे और हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। सिर्फ अंसार बनी साहब अभी जुड़े हैं, अंसार बनी के साथ और लोग भी मुस्तकबिल में जुड़ने वाले हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया के और शहर हो, उसमें जर्नलिस्ट हो, वकला हो, डॉक्टर्स हो या कोई और मकतब फिक्र के जो लोग हो, जो गुलाम हैदर के बच्चे वापस कराने के लिए हमारे साथ होंगे वो हमारे साथ होंगे, एक पेज पर होंगे। इस केस में निकल न शाहिद सकता है, न रोशन सकता है, न ही गुलाम हैदर केस से निकल सकता है, हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ, कुछ टीम जो कि मसरूफियात की वजह से शाहिद साहब एक तरफ हो जाते हैं या गुलाम हैदर एक तरफ हो जाते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक साथ हैं, बच्चों की हवालगी तक हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह इस केस की फतह तक। सर कानूनी चीज हो क्या सकती है, अभी ऑप्शंस क्या क्या है? देखें जो पेशरफ्त हो रही है वो सबके सामने भी है। दूसरा ये कि हमने कोई ढकी छुपी की चीज ऐसी रखी नहीं जिसमें लोग जो है वो बेखबर है, कोशिश करते हैं कि उनको बाखबर रखा जाए जो जो चीजें। कानूनी तौर पर हो क्या सकता है कि एक तो ये है कि बच्चे हर सूरत वापस आने, यहाँ सिंध की या पाकिस्तान की अदालत से भी और उसके बाद फिर इंडिया की अदालत से, और उसके बाद फिर खतूत अंसार बनी एडवोकेट साहब ने कुछ मजीद लिखे हैं जो कल हमें उन्होंने दिखाया, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी उनसे, तो अब उनसे ये सारी चीजें सामने आने के बाद मजीद क्या कुछ हो सकता है? दोनों अतराफ जो है हम लिटिगेशन में जाएंगे, पाकिस्तान में भी लिटिगेशन में जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया की हाई कमीशन मौजूद है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री मौजूद है, और इंडिया में भी हम लिटिगेशन में जाएंगे। इंडिया से कुछ वकला हमसे जुड़ने वाले हैं और इंडिया में कुछ और लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, हम दोनों तरफ लिटिगेशन में जाएंगे। और अंसार बनी साहब एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशन का वो एक्टिव मेंबर रहा है ह्यूमन राइट्स पर, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स, दोनों अतराफ जो है हम लिटिगेशन में जाएंगे, पाकिस्तान में भी लिटिगेशन में जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया की हाई कमीशन मौजूद है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री मौजूद है, और इंडिया में भी हम लिटिगेशन में जाएंगे। इंडिया से कुछ वकला हमसे जुड़ने वाले हैं और इंडिया में कुछ और लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, हम दोनों तरफ लिटिगेशन में जाएंगे। और अंसार बनी साहब एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशन का वो एक्टिव मेंबर रहा है ह्यूमन राइट्स पर, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर भी रहा है, उनके बड़े रवाबित हैं पाकिस्तान की जो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उनमें, तो उनका जो लिखना है वो भी बड़े अच्छे तरीके से वो उसका फायदेमंद हमें हो सकता है।
दोनों तरफ से हम लिटिगेशन में जाएंगे, पाकिस्तान में साइमल्टेनियसली और इंडिया में, इंशाल्लाह बड़ी पेशरफ जो है अभी होने वाली है दोनों तरफ। अच्छा सर, कोई मुखालिफ वकील बात करे, मुखालिफ पार्टी कोई बात करे, तो एक बात समझ आती है, जब आप दिन रात देखे हुए थे इस केस में कूदे हुए थे, तो उस वक्त आपको भी तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके बाद जब पता चला लोगों को कि अंसार बनी एडवोकेट साहब भी इस केस में आ गए, और अब वो अपनी जितनी भी उनकी एक मायानाज खिदमत हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गुलाम हैदर के बच्चों के लिए अपने तौर पर वो भी क्वेश्चन करेंगे, तो उनके ऊपर भी इल्जाम आयद किए गए मुख्तलिफ किस्म के। तो एक तो ये जो लोग हैं जो उनकी खिदमत को जानते हैं, जो नहीं जानते उनके उनको क्या बताएंगे उनके बारे में? देखिए, रोशन अली अजीम पर जो इल्जाम लगे तो वो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन अंसार बरनी एक बड़ा नाम है इंसानियत के पर हकूक के लिए काम करने के लिए पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में। अगर उनके नाम पर कोई गलत बयानी करता है तो शायद वो अनजान है अंसार बरनी साहब के जो इंसानी हकूक के काम करने के हवाले से, उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अंसार बरनी साहब के हवाले से। उन पर इल्जाम तराशी करना या उन पर इल्जाम लगाना ये गलत बात है। रोशन अली जिन पर आप इल्जाम भले लगाएं वो लगा सकते हैं, लेकिन अंसार बरनी साहब एक मुल्क का सरमाया है, मुल्क का बड़ा नाम है, उस पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। सर, आप चूंकि कानूनी माहिर हैं, आपको पता है कि आज भी एक हमने थोड़ी देर पहले भी एक केस देखा कि एक माँ जो कि दोनों पाकिस्तानी थे लेकिन अमेरिकन नेशनल भी थे, माँ ने अपनी अलहदगी के बाद बच्चे वो पाकिस्तान लेके आ गई, तो पीछे बाप आया और उसने यहाँ पाकिस्तान में केस किया, तो पाकिस्तान की अदालतों ने माँ को कहा कि वो के जो बच्चे हैं वो अपने बाप के पास जाएंगे, चूंकि अलहदगी सेपरेशन जो थी उनकी मुकम्मल हो चुकी है। तो गुलाम हैदर का कितना हक बनता है अपने बच्चों के ऊपर कि वो पाकिस्तान की अदालत में केस करें या इंडिया की अदालत में केस करें? ये इस तरह के केसेस आपको पता है कि दूसरे केसेस के लिए नजीर साबित होता है। देखिए, पाकिस्तान जैसे कि हेग कन्वेंशन का जो है सिग्नेटरी भी है, रेक्टिफाइड भी है, उसके साथ अमेरिका रेक्टिफाइड है, सिग्नेटरी भी है। अब यहाँ पर जो वैक्यूम आ रहा है वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है। हिंदुस्तान जो है वो हेग कन्वेंशन का जो है सिग्नेटरी तो है लेकिन वो रेक्टिफाइड नहीं है, ये जो है चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर रेक्टिफाइड होती तो पाकिस्तान में ही जाके वो केस फाइल हो सकता था बच्चों की हवालगी का, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हिंदुस्तान जाके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता, एग्जीक्यूशन फाइल होती है और बच्चे जो है पाकिस्तान की एम्बेसी वापस आ जाते। यहाँ पर वैक्यूम हो आ रहा है, लेकिन उसका भी जो है हल है, हम निकालेंगे। हिंदुस्तान में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे, हमारे जो कुछ हमारी कानूनी टीम हिंदुस्तान से जुड़ चुकी है वो वहां पे देखेगी, और यहाँ पर हम जो है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको बाउंड डाउन करेंगे कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट किए जाए हिंदुस्तानी हाई कमीशन के साथ। इंशाल्लाह ऐसे ही जो है जरूर हमें फायदा होगा, केस अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। सर, एक सवाल है, इकरा का फोन भी आ रहा है क्योंकि उनको शायद टाइम दिया था, मेरे पास भी फोन आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है फिर उनसे भी बात करते हैं। वो सवाल ये है कि चूंकि अभी तक ये कानूनी मामला हल नहीं हुआ, उसके बावजूद रोज हम वीडियोस देखते हैं जिसमें सचिन बच्चों को गोद में उठा के बैठा हुआ है, लोग कमेंट्स करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, तो आप चूंकि गुलाम हैदर के वकील हैं, कानूनदान हैं, और आप चूंकि एक उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो पार्टी डायरेक्ट मुतासर है गुलाम हैदर, तो आप वहाँ के जो कानूनी इदारे हैं इंडिया के, उनको क्या पैगाम देंगे? क्या ये मामला अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो लिटिगेशन में है, पेंडिंग है, उसके बावजूद क्या सचिन को ये इख्तियार है कि मासूम बच्चों को इस तरह वो छुए, इस तरह उनको अटैच करे, उनके साथ टच में टच करे, उनको साथ गोद में बिठाए? क्या कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर इस तरह कर सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अपेक्स कोर्ट की काफी डिसीशन से ये जो है वो अगर कोई माँ है अपनी खुला लेके या तलाक देके या सेपरेशन करके किसी और मर्द के पास जाती है तो उसके बच्चे जो है वो उस दूसरे मर्द के लिए नामहरम है, तो वो ना उसको छू सकता है, ना उसको बॉडी टच कर सकता है, ना बेड टच कर सकता है। तो हम कहता था बच्चों की हवालगी का, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हिंदुस्तान जाके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है, बच्चे जो है पाकिस्तान की एम्बेसी वापस आ जाते। यहाँ पर वैक्यूम हो आ रहा है, लेकिन उसका भी जो है हल है, हम निकालेंगे। हिंदुस्तान में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे, हमारे जो कुछ हमारी कानूनी टीम हिंदुस्तान से जुड़ चुकी है वो वहां पे देखेगी, और यहाँ पर हम जो है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको बाउंड डाउन करेंगे कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट किए जाए हिंदुस्तानी हाई कमीशन के साथ। इंशाल्लाह ऐसे ही जो है जरूर हमें फायदा होगा, केस अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। सर, एक सवाल है, इकरा का फोन भी आ रहा है क्योंकि उनको शायद टाइम दिया था, मेरे पास भी फोन आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है फिर उनसे भी बात करते हैं। वो सवाल ये है कि चूंकि अभी तक ये कानूनी मामला हल नहीं हुआ, उसके बावजूद रोज हम वीडियोस देखते हैं जिसमें सचिन बच्चों को गोद में उठा के बैठा हुआ है, लोग कमेंट्स करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, तो आप चूंकि गुलाम हैदर के वकील हैं, कानूनदान हैं, और आप चूंकि एक उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो पार्टी डायरेक्ट मुतासर है गुलाम हैदर,
तो आप वहाँ के जो कानूनी इदारे हैं इंडिया के, उनको क्या पैगाम देंगे? क्या ये मामला अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक लिटिगेशन में है, पेंडिंग है, उसके बावजूद क्या सचिन को ये अख्तियार है कि मासूम बच्चों को इस तरह वो छुए, इस तरह उनको अटैच करे, उनके साथ टच में टच करे, उनको साथ गोद में बिठाए? क्या कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर इस तरह कर सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अपेक्स कोर्ट की काफ़ी डिसीशन से जो है वो अगर कोई माँ है अपनी खुला लेके या तलाक देके या सेपरेशन करके किसी और मर्द के पास जाती है, तो उसके बच्चे जो है वो उस दूसरे मर्द के लिए नामहरम है, तो वो ना उसको छू सकता है, ना उसको बॉडी टच कर सकता है, ना बेड टच कर सकता है। तो हम इस केस में कुछ अलग ही चीज़ देखते हैं कि वो बेड टच का मामला आते हैं, सचिन उसको गोद में बिठा के किसिस कर रहा होता है, बेड टच कर रहा होता है। इस हवाले से हमने काफ़ी गुजारिशात की है उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी साहब है, और हिंदुस्तान में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की तमाम तंजीमें जो बच्चों के राइट्स पर काम करती हैं, हमने उनको भी जो है वो काफ़ी मरतबा गुजारिश की है। लेकिन आज फिर आपके तवसुत से हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चे किसी और के हैं, सचिन मीणा के बच्चे नहीं है, ये इनका जो है बायोलॉजिकल फादर है गुलाम हैदर साहब। ये जो बेड टच के मामला हो रहे हैं हिंदुस्तान का, आपने देखा है कि वो चाइल्ड रेपिंग और चाइल्ड सेक्सुअल के हवाले से हिंदुस्तान का जो रेशियो है सबसे टॉप है। हमें वो तश्वीश है, हमें वो परेशानी है, हमें इस बात की बार बार हम गुजारिशात कर चुके हैं कि सचिन मीणा से बच्चों को दूर किया जाए। सीमा का जो मामला है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो जाके आगे हल होगा, लेकिन बच्चों का कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि वो माइनर है, बच्चे जो माइनर है अपना फैसला सही नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को अपनी तहवील में, इदारे में और सचिन मीणा से दूर रखें। ठीक है सर, गुलाम हैदर बच्चों के साथ मौजूद हैं, वीडियो का एंड करते हैं। एक बात जाते जाते कि बच्चों ने पाकिस्तान आना है, अब मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपकी तवज्जो से भी, गुलाम हैदर की इजाज़त से भी, मैं एक बार फिर ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि बच्चे वापस आएंगे, बच्चों की सीमा से गुजारिश करेंगे कि इस तरह उनकी ज़िंदगी अजीरन ना करें, उसकी ज़िंदगी का वो खुद फैसला कर सकती है, बच्चों की ज़िंदगी का फैसला का हक सीमा के पास नहीं है। सीमा माँ ज़रूर है, लेकिन इस तरह वो फैसला नहीं कर सकती कि मासूम बच्चों को कोई गैर मुहरम मर्द, कोई ऐसा शख्स जिसका कोई भी खूनी रिश्ता उनके साथ नहीं है, उनको इस तरह वो छुए, अपनी गोद में बिठाए, या कोई और ऐसे काम करे जिसकी वजह से लोगों के जज्बात मजरू हों। तो इसलिए सीमा से गुजारिश है इस वीडियो के तवसुत से, जो कि रोशन साहब के प्लेटफॉर्म से, गुलाम हैदर के प्लेटफॉर्म से, या मेरे या किसी और भी प्लेटफॉर्म से वो देखेगी, जिस जब उसके पास पहुँचे, तो खुदा रहा बच्चों की हालत के ऊपर रहम का है। वो जब पाकिस्तान आएंगे तो उनकी यहाँ ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, उनका फ्यूचर दौर पर लगा हुआ है, उसके लिए खुदा रहा उनको बच्चों से सचन को दूर रखें, और इस तरह की वीडियो जिसमें वो धर्म की प्रचार कर रहे हों, इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन जो रसूमात हैं उनके जो मुख्तलिफ इवेंट्स है उसका प्रचार कर रहे हैं, उससे बच्चों को कम से कम दूर रखें, क्योंकि ये लिटिगेशन है, सुकून से बैठने वाला कोई भी नहीं है। आपको भी अच्छे से मालूम है गुलाम हैदर की नेचर के बारे में, उसकी आदत के बारे में पता है कि गुलाम हैदर ऐसे चैन से नहीं बैठेगा, चाहे कोई भी उसके साथ ना खड़ा हो, अकेला भी वो लड़ रहा होगा जिंदगी के आखिरी सांस तक, वो लड़ता रहेगा बच्चे जब तक उसको वापस नहीं मिलते। तो खुदा रहा उनकी बच्चों की जिंदगी जो है आप अजीरा ना करें। सर, यही पैगाम था जो कि हम पहुंचाना चाहते थे। भाई, अब आपकी इजाजत से, रोशन साहब आपकी इजाजत से, हम अपने व्यूअर से इजाजत चाहते हैं, और जो पेशरफ्त होती रहेगी आगे आने वाले दिनों में, इंशाल्लाह तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको बाकायदगी से अपडेट भी रखेंगे और खामोश भी नहीं बैठेंगे, इस तरह जदोजहद का जो सिलसिला वो जारी रखेंगे। सर, आपका और गुलाम हैदर भाई आपका, दोनों का शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।